हेलो एवरीवन, लेक्चर नंबर 2 रे डिस्कशन करिवा फैक्टर एसोसिएटेड विथ वल्नरेबल चाइल्ड विषय। तो चारिटा फैक्टर सेटी देइछि मेन मेन फैक्टर जो माने रेस्पोंसिबल हेथांती चाइल्ड वल्नरेबिलिटी पाई। तो फर्स्ट आसिला फिजिकल फैक्टर्स, नेक्स्ट आसिला इकोनॉमिक फैक्टर्स, थर्ड नंबर आसिला एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड फोर्थ नंबर रे होची इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये जो चारिटा फैक्टर्स अछंती एमाने स्ट्रेटली रेस्पोंसिबल होउछंती गोटे चाइल्ड वल्नरेबिलिटी पे, जो कि गोटे चाइल्ड को इग्नोर करा जाउची, चाइल्ड को अपॉर्चुनिटी रु वंचित करा जाउची एंड चाइल्ड अब्यूज होउची एंड चाइल्ड को नेग्लेक्ट करा जाउची। तो बहुत सारा इश्यूज चाइल्ड फेस करुछंती। तो आम वन बाय वन डिस्कशन ये करवा कि कौ फैक्टर ये कौन कौन काम है एंड कौ मैंने इनवल्व अच्छा ये फैक्टर्स। तो फास्ट आसुच फिजिकल फैक्टर्स, ये फिजिकल फैक्टर्स फास्ट आसुच मेंटल हेल्थ। तो ये गोटे चाइल्ड रो जदि मेंटल हेल्थ जदि ठीक नहीं तल से केसेस रे से चाइल्ड को इग्नोर करा जाउची, ताको अपॉर्चुनिटी दिया जाउनी। फॉर एग्जांपल गोटे पिला जदि गुमसुम रहूची, का सहित बेसी कथा होनी बा सेमदि किछ हरकत करूची, तो से केसेस रे ता पीयर्स ग्रुप जो फ्रेंड सर्कल अछंदी ताको इग्नोर करंती एंड सोशल भी से बहुत मात्रा रे नेग्लेक्ट होई थाए। तो से केसेस रे मेंटल हेल्थ एठी गोटे मेजर इश्यूज कि गोटे पिला को एठी फिजिकल फैक्टर्स, ये फिजिकल फैक्टर्स अंडर रे आसछि मेंटल हेल्थ ता जोटा कि रेस्पोंसिबल हेता है चाइल्ड वल्नरेबिलिटी पई। नेक्स्ट एठी आसुची डिसेबिलिटी। तो जो माने स्पेशल टाइप ऑफ चिल्ड्रन अछंती, जो माने करो हैंडीकैप्ड जो माने अछंती, तो से मानको भी अपॉर्चुनिटी रु बहुत जगह रे वंचित करा जाउची एंड से माने भी तांको पीयर्स ग्रुप रु नेग्लेक्ट होउछंती। हैला तो डिसेबिलिटी पई एठी मध्य गोटे पिलाट को वल्नरेबिलिटी चाइल्ड रे इन्वॉल्व कर दिया जाउची एंड थर्ड नंबर आसुच्छे एठी स्पीच डिफेक्ट्स। तो को पिला फॉर एग्जांपल से तोतला अच्छी टे कही पारुनी, ठीक से कथा कही पारुनी बा पार्टी लागुची तार, से केसेस रे पिला माने तो कमेंट पास करती बहुत केसेस रे एंड ताको नेग्लेक्ट मध्ये करती, से कही पारिबनी तो से ताको अपॉर्चुनिटी ही दियंतिनी, से कही पारिबनी तो ताको काई नबा, फ्रेंड सर्कल रे ये सब प्रॉब्लम्स होइथाय। हला गोटे चाइल्ड नॉर्मली ये सब इश्यूज फेस करथाय तार पीयर्स ग्रुप रे। सो दैट कि एटे स्पीच डिफेक्ट जोटा अच्छी ये गोटे फिजिकल फैक्टर्स एंड ये रेस्पोंसिबल होता है चाइल्ड वल्नरेबिलिटी पाई। नेक्स्ट आसला सेंसरी एनवायरनमेंट। एक केसेस रे कौन होता है ना गोटे पिला को फॉर एग्जांपल ठीक से सुबुनी है देखा जाऊनी, तो एक केसेस रे ताकु मध्य नेग्लेक्ट करा जाए कि सुबुनी, ताकु बहुत सारा नेम रे इंडिकेट करा जाए, मुने कहबिनी बट आपण जानिछंती। तो एक केसेस रे तो ये सब फिजिकल फैक्टर्स जो माने रेस्पोंसिबल होता स्ट्रिक्टली गोटे पिला को वल्नरेबिलिटी फेस करिया पाई। हला तो एठी नेक्स्ट लिखी कि हेल्प से मानु कौन करा जाई परिवो। फर्स्ट कथा तो होची कि ये सब जो आम प्रॉब्लम्स अछि आकु अवेयरनेस क्रिएट करिया को पड़िबो कि एमती न करिया पई एंड से मानु को अटेंशन केयर मध्य एठी दरकार से पिला को। हला डिस्कशन करिबा नेक्स्ट जोटा कि होची इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स जोटा कि हमर पॉवर्टी उपरे आसिला, एटी पेरेंट्स रो भी बहुत बड़ा भूमिका अच्छी कि जदि गोटे पेरेंट्स पाखे पैसा नहीं, ठीक अच्छे जथेष जो संबल अच्छे सी जी ना, तो सी गोटे हाउस बिल्ड कर पारुनी ता पिलाई एंड से गोटे पिला बहुत सारा इश्यूज फेस करुच्छे। ता छड़ा प्रॉपर न्यूट्रिशन भी दे पारुनी ता पिला को, जदि संबल अभाव जितेबले ता पिला को सी प्रॉपर न्यूट्रिशन दे पारुनी, तो सी गोटे इकोनॉमिक फैक्टर्स जोटा कि रेस्पोंसिबल होउची चाइल्ड वल्नरेबिलिटी। तापर नेक्स्ट पॉइंट आसला एजुकेशन। तो बहुत सारा पेरेंट्स मानकर ये भी से मानकर थॉट अछि कि यदि मो पाखरे पैसा नहीं मु बहुत गरीब, तो से केसेस रे मु मो पिला को ठीक से एजुकेशन प्रोवाइड करि परबि नहीं, ठीक अछि। तो ये गोटे गोटे इकोनॉमिक फैक्टर रो अंडर रे आछंती जो माने रिस्पोंसिबल होउछंती गोटे चाइल्ड वल्नरेबिलिटी पई, ठीक अछि। नेक्स्ट आसिला एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स रे फास्ट आसुचि पॉल्यूशन। एटी पॉल्यूशन कौन ना फॉर एग्जांपल गोटे वेदर कंडीशन एकदम खराब अछि लाइक दिल्ली एमती किछि एरियाज अछि जोटी बहुत डस्ट अछि बहुत फॉग अछि, तो सेती एयर जो थाए से फ्रेश न थाए एकदम पूरा पॉल्यूटेड एयर थाए। सेठी जदि गोटे पिला जदि बढ़ुची तार ग्रोथ होउची, तो से केसेस रे पिला सेई एयर को ही से कंज्यूम करिवो, तो से केसेस रे कौन हबो तार डिजीज बहुत सारा बाहरिबो। हला तो पिलार ये गोटे गोटे बड़ा फैक्टर एनवायरमेंटल फैक्टर जो गोटे चाइल्ड रो हेल्थ इश्यूज आसीबो
एंड ये भी गोटे वल्नरेबल कैटेगोरी रे जाउची। बायोडायवर्सिटी लॉस्ट, ओशन एसिडिफिकेशन, ये सब सेम जोटा कि हमरो नेचुरल रिसोर्सेस यदि खराब होउची तो ये सारा प्रॉब्लम आसुची। एंड ये भी गोटे फैक्टर्स, मेजर फैक्टर्स जोटा कि रेस्पॉन्सिबल होउची चाइल्ड वल्नरेबिलिटी पई। हले रहिला हेल्प कौन, ये हेल्प आम कर केवल नेचुरल रिसोर्सेस को आम रक्षा करमर नेक्स्ट जेनेरेसन एंड डेफिनेटली अवेयरनेस भी क्रिएट करवा कि एनवायरमेंट क्लीन एनवायरमेंट करने क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया जो मूवमेंट जब चली कंट्री तो आम बेस प्रोत्साहन देवा उचित। से केसेस रे आम बहुत सारा मात्रा रे एनवायरमेंटल फैक्टर्स को आम दूर कर कमे पारा। नेक्स्ट देखिबा सोशल फैक्टर्स, तो सोसाइटी रे जो पिला गोटे इश्यूज फेस करथाय नॉर्मली तो सी कौन कौन सब इश्यूज थाए, गेटिंग अब्यूज, तो पिला मन को अब्यूज करा जाए, लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन रु से मन को वंचित करा जाए, फिजिकल डिसेबिलिटी, लैक ऑफ कैपेबिलिटी, रिच फैमिली पुअर फैमिली, ये जो रिच फैमिली पुअर फैमिली ये सब अच्छी ना। फॉर एग्जांपल सोसाइटी रे ये गोटे कहावत अच्छी कि धनी घर रे जदि छुआटा जन्म होई तो ता बापा माता को भलो खाद्य देबे, भलो स्कूल रे पाठ पढ़े एंड तार रक्षणाबेक्षण पिलार बहुत भल हो पार, तार गोटे पिलार ठीक भाव केयार नहीं पार। गोटे रिच फैमिली जदि गोटे पिला जन्म हो, गोटे पुअर फैमिली जदि जन्म होती सी पिला को ठीक से एजुकेशन दे पारनी, खावा ठीक से दे पारन, कपड़ा ठीक से दे पारनी। तो ये सब गोटे सोसाइटर गोटे चिंताधारा है, तो ये गोटे गोटे फैक्टर, सोशल फैक्टर्स जो मैंने रेस्पन्सिबल होती गोटे वल्नरेबल चाइल्ड। ठीक अच्छे ये गला, तापर आम डिस्कसन करवा जो प्रॉब्लम्स अच्छी मेजर इश्यूज गुड़ाक अच्छी। सो कौन कौन से मेजर इश्यू जो गोटे चाइल्ड फेस करुच्ची है, फर्स्ट आसुच्छे न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन कौन देखु, प्रथम देखो न्यूट्रिशन को मुझे दुईटा कैटेगोरी ये डिवाइड कर, गोटे बिफोर बार्थ, गोटे आफ्टर बार्थ। गोटे बिफोर बार्थ मान जो पिलाटा ता माँ गर्भरे थाए से केसेस रे तापाई जो कंप्लीट न्यूट्रिशन जो ताको मिली था से माँ ठारू ही मिली था। तो ये गोटे मदर रो प्रॉपर न्यूट्रिशन पाइबा निहाती आवश्यक। ठीक अच्छे, तो ये गोटे मदर जदि ठीक से माने न्यूट्रिशन बा न्यूट्रिशन फूड खाऊची तो से केसेस रे ता पिला को ही डायरेक्टली विटामिन्स जाउची हला। एंड आफ्टर बर्थ, बर्थ हो सारापर ताको एक्सटर्नल रिसोर्सेस ताको जो फूड न्यूट्रिशन फूड सी दबा उचित। एंड जदि ये न मिलूची ताहले आमर से मेजर इश्यूज गोटे जो कि चाइल्ड रो डेवलपमेंट हो पार नहीं ठीक से है। तो आफ्टर बर्थ परे कौन कौन छुआ को दरकार, तो से मुझे ऑलरेडी लिखी दे कि बैलेंस्ड डाइट, लो फैट डाइट, न्यूट्रिशनल रिच डाइट, कोलेस्ट्रॉल फिल्ड डाइट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री डाइट। एंड ये जो चारिटा डाइट अच्छी ये पिला को दरकार सो दैट कि पिलार डेवलपमेंट ठीक से हो पार है। आई होप आप बुझीपे ये जो चारिटा मुझे लिखी प्रॉपर बैलेंस डाइट मानने जी मात्रा दरकार पुष्टिकर खाद्य जी मात्रा प्रोटीन दरकार कार्बोहाइड्रेट दरकार मिनरल दरकार फैट दरकार तो से मात्रा ही दबा ताको उचित है। लो फैट डाइट जो थे बहुत कम मात्रा फैट थी से भाई खाद्य दबा उचित। न्यूट्रिशनल रिच फूड फ्रुट जो थे कि पुष्टिकर खाद्य मान जथेष मात्रा थी पुष्टिकर पदार्थ, कोलेस्ट्रॉल फिल फ्री डाइट ये रहा दरकार। तापर ये लिखिदे एडिक्वेट न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा पुष्टिकर खाद्य ये पिला को दबा उचित। एंड मुझे किसी डायग्राम गोटे कर बहुत सारा पुष्टिकर खाद्य देखा जा फटोर। सो ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स मिनरल विटामिन्स वाटर एक्सेट्रा एट ये सब मेन इनग्रीडियंट्स जो गुड़ा कि आमर दरकार गोटे पिलार डेवलपमेंट हाँपाई रहा। ये नेक्स्ट पॉइंट लिखी एडिक्वेटी इन न्यूट्रिशन कैन वी आइडेंटिफाइड बाय कंसीडरिंग चाइल्ड फिजिकल हेल्थ, गोटे पिला को देखिक जना पड़ कि पिलाटा के खाऊ के खाद्य अभाव अच्छी। सो ये सब हूँ एडिक्वेट इन न्यूट्रिशन। तो हेल्थ प्रॉब्लम सब मेन मेन हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन अच्छी, तो कौन कौन अभाव हेल्थ प्रॉब्लम हुए तो देखो प्रथम हूँ डेफिशिएंसी इन ऑफ न्यूट्रिशन पुष्टिकर खाद्यर अभाव। जदि पिला को ठीक से खाइबा न दि जाऊँ तार पोषण जदि ठीक से न दि जाऊँ तो पिलार डेवलपमेंटेड हो पारनी है, पिलार देह खराब हे, पिलार हेल्थ प्रॉब्लम इश्यूज आसो। अंडर न्यूट्रिशन उचित मात्रा पुष्टिकर खाद्य खाइबा
हला जेतिके मात्रा आवश्यक सेतिके मात्रा खांतु ताठु अधिका खाइबा उचित नै। जदि अधिका खाउचंती ओवर न्यूट्रिशन होउचंती ताहाले सेठी आपनकर हेल्थ इश्यूज देखा जिवो बुझेला। एबे चलंतु जिबा गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक को जोटा होची चाइल्ड लेबर जोटा कि आम वर्ल्ड रो सबटर बड़ इश्यूज वर्तमान हला जोटा कि चाइल्ड मानकर फ्यूचर को खराब करूची छोट छोट पिला मान को कामरे लगाउचंती एंड तांको फ्यूचर को खराब करचंती। बड़ बड़ कंपनीज माने ए सब काम करचंती चा छोडा इंडिविजुअल लोक माने भी पिला मान को सहित जबरदस्ती करचंती। तो तार डेफिनेशन चलंतु मु दि तीनटा डेफिनेशन एठी लिखि दैछि। तो डेफिनेशन एठी फर्स्ट डेफिनेशन कोउछि चाइल्ड लेबर डिफाइंड एज अ वर्क दैट डिप्रिव्स डिप्रिव्स माने छड़ै नबा माने कहार अधिकार को छड़ै नबा डिप्रिव ऑफ देयर चाइल्डहुड तांका पिल्ला दिन को छड़ै नबा गोटे पिल्ला को र पिल्ला दिन को छड़ै नबा हला देयर पेरेंटल डिग्निटी दैट हार्मफुल टू द फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। तो जोटा कि पिल्ला दिन को छड़ै नबा तांकर जो पेरेंटल डिग्निटी अछि जोटा तांकर सम्मान अछि हला सेठी तांकु छड़ै नबा एंड तांकर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट को भी बाधा सृष्टि करिबा। तो ये होची चाइल्ड लेबर। डेफिनेशन टू रे दौर कि वर्क दैट इंटरफेस विथ चाइल्ड स्कूलिंग एंड डिप्रिविंग जोटा कि स्कूल टाइम को छड़े नवा ता छड़ा देम अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल एज अ चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर करने तार स्कूल को स्कूल लाइफ को तार छड़े नवा से पिलार। तापर नेक्स्ट ये लिखुची कि इट इज एन इंटरनेशनल कंसर्न ये आम केवल देश नुहे पूरा पृथ्वीर ही पूरा विदेश भी सेम प्रॉब्लम अच्छी ये पाने से चाइल्ड लेबर करा कि इंडिया केवल है। इट इज एन इंटरनेशनल कंसर्न दैट इट इज डैमेजेस द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रेन। नेक्स्ट पॉइंट कहला एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर इनवॉल्व्स बीइंग एनस्लाव्ड कहार गुलाम हो जो एनस्लाव्ड र जो अर्थ होची कहार गुलाम हो जाए फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल छोट छोट पिला घर रखुच्च कम करा जबरदस्ती कम करजर मानने जो चाकर टाइप रोटे कहते ना पूरा से टाइप रखुच्च पिला जबरदस्ती कम करवा तो गुलाम करदे है। तो से वर्डटा ये यूज होती एनस्लाव्ड सेपरेटेड फ्रॉम देयर फैमिली फैमिली ठार दूरे नहीं जावा वर्किंग इन अ डेंजरियस सिचुएशन तो विपदपूर्ण जगह पैसा पाई तांको काम करेबा छोट छोट पिलांगु। तो ये रहिला किछि मेजर डेफिनेशन मेजर पॉइंट गुड़ाक जो गुड़ा कि आपण चाइल्ड लेबर डेफिनेशन रे एठी ऐड करिवे हला। दि चारि मार्क जदि पांच मार्क गोटे क्वेश्चन पड़ुछि बा दुई मार्क गोटे क्वेश्चन पड़ुछि तले आपण दुई तीनटा चारटा पॉइंट ही मैक्सिमम लिखि देबे तो ये चलिबो। रहिला ग्लोबल रिपोर्ट 2020 अकॉर्डिंगली सी आमर वर्ल्ड कथा कही अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिपोर्ट बाय 2020 चाइल्ड लेबर इन द वर्ल्ड इज अप्रोक्सीमेटली 160 मिलियन बाप रे। तो दिस इज ऑल अबाउट प्राय 16 कोटी हला 60 मिलियन जो थे कि 6 कोटी 30 लाख होचंती गर्ल्स 63 मिलियन एंड एठी होची 97 मिलियन बॉयज 9 कोटी 70 लाख पाखापाखि बॉयज हला अच्छा पूरा वर्ल्ड रो जो 2020 सर्वे अकॉर्डिंगली एबे लाटेस्ट सर्वे तो किसी आसीनी जोटा ओल्ड थिला तो सीए ही एटी देजी। तापर तार कॉज कौन तार मेजर कॉज होजी कौन ना फास्ट कॉज होजी कि ओवर पॉपुलेशन। देखो नॉर्मली जी पॉपुलेशन हवा कथा जदि पॉपुलेशन अधिका हे से चाइल्ड लेबर बढ़े गोटे मुझे छोट एग्जांपल देखिए आपको बुझाऊँ ये जिनस आप बुझा पॉपुलेशन को केमी चाइल्ड लेबर केमी हो गोटे रिच फैमिली गोटे पूरा लोअर क्लास फैमिली अच्छी ठीक अच्छे एटे रिच फैमिली जो मैंने भल पेरेन्ट जो मैंने पिलार पर ठीक सब भल स्कूलिंग दौरान भल फुड दौरान तो से पा को लेबर करेनि एटी प्रोब्लेम आसूँ कि जो मैंने अधिका पिला जन्म करनेकर सी गोटे पिला को संभा पारे कि सात आठटा जी पिला से जन्म करसेस कौन ना से ठीक से पिला न्यूट्रिशन दे पार ना फुड दे पार ना ठीक से जोटा आवश्यक डेवलपमेंट पर स्कूलिंग भी दे पार ना से केसेस से कौन करना पिला लेबर करा पठे दौरान बहुत सारा आप गाँ गहली भी देखिए छोट छोट पाने गोटे कंसा धरिक पलि आसुए भिक दे एम टाइप कह पलि आसुए बुझेगा। तो ये सब मेजर केसेस मुझे बहुत सारा पिला पचारे कि भाई कौन एमती भिक मगुच ये से ना आम घरे आम पेरेन्ट्स आमको कही भिक मागे ये पूरा स्ट्रिक्टली कहीदे बुझीगला।
तो ये सब गोटे गोटे बड़ इश्यूज कि मैंने पिला अधिका जन्म होती पॉपुलेशन ये बढ़ुची एंड एटी चाइल्ड लेबर भी ये बढ़ुचार हैला तो किसी ये तो भिकम आज्ञा जो केस तो लेबर नुहे बट फिर भी से हार्डवर्क करा तर आसुँच तो मुझे लेबर ही इनक्लूड करदे बट आपको आम रोकवा केमी है आपको रोकवा रोकवा आवेरनेस कर छड़ा स्ट्रीट किसी रूल्स भी बाहर कराया पड़ो से भी प्रोत्साहन देवाक पड़ो से भी बहुत सारा बुझेवा पड़ो है तो ये सब करवाक आमको पड़ो तापर रहा इ लिटरेसी है ये भी गोटे बड़ इश्यूज पिला ठीक से पाठ पढ़ापी सुजोग ही नदा तापर पॉवर्टी डीप ट्रैप्ड पेरेंट्स या को बुझे को ट्राए करूँ कर्जरे बुड़ी अभिभावक कर्ज न सुझीपे निज पा जबरदस्ती काम पठेगा ये सब से कैटेगोरी लोक मान जो मुझे जस्ट कहली निजे कर्ज करेंगे मद पीबे सब सबकि ये करदे पिला सत आठटा जन्म करदे है कह कि जाओ कम कर है तुम कम कले छोट छोट पाने देखिए ग्यारेज्रे कम करेंगे तो ये सब जो प्रॉब्लम्स अच्छी ना मैंने जबरदस्ती पठा जाए गार्डियंस मैंने कहे कि तू जा कम कर तो जो शहे शहे टाँग दुई नहीं आसवे सी पाँच सात सौ हो तो भाई कर्ज सुज जहाँ रहा मद पी दि तो ये टाइप पेरेन्ट्स सब कर गोटे गोटे जगार तो ये गोटे बड़ इश्यूज है रहा ओवरलोडेड वार पा जबरदस्ती ओवरलोडेड करवा पिला गोटे जी घंटार भी कम जी कर कंफर्टेबली पांच घंटा सात घंटा जबरदस्ती खटेबा तार इच्छा विरुद्ध सहित जबरदस्ती करवा तो ये गोटे बड़ प्रॉब्लम ये तापर रहा यूनिसेफ रिपोर्ट 2020 अकॉर्डिंगली सी मैंने इंडिया विषय कौन कही देखु यूनिसेफ रिपोर्ट 2020 अकॉर्डिंगली इंडिया हाज द हाइएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर अंडर 14 इयर्स तो 14 वर्ष तल को 2020 यूनिसेफ रिपोर्ट अकॉर्डिंगली 14 वर्ष तल को जो पिला अच्छा है इंडिया सबुठ हाइएस्ट अच्छा सी कहे को राज्य सब अधिक अच्छा लाइक बिहार रे उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र आर द मेन स्टेट ये मैंने सब मेन स्टेट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर ये स्टेट रे ही मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर अच्छा नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर वर्किंग इन इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली दिस नंबर ये नंबर बहुत बड़ा नंबर पाखापाखि 1,26,66,370 है ये बहुत बड़ा नंबर ये बहुत बड़ा ये छोट नंबर नुह बहुत पाखापाखि 10 जन जड़े 10-11 जन पाखापाखि गोटे पिला निहाती लेबर बाहर एमती जदि आप कम्प्लीटली सब पिला कनसीडर कर 100% रु जदि आपको काउंट करेंगे तो ये आपणकर आसवर चलतु ये देखा नेक्स्ट टॉपिक हूँ चाइल्ड अब्यूज विषय आम शॉर्ट वर्ड में पढ़ी थे डिस्कशन किंतु चलतु आपको डिटेल बुझा कि चाइल्ड अब्यूज कौन फास्ट हूँ कि इट इज अ टाइप ऑफ माल ट्रीटमेंट और नेग्लेक्ट ऑफ ए चाइल्ड स्पेशली बाय पेरेंट्स और केयर टेकर्स तो चाइल्ड को अब्यूज करे किए ताखे जी थाए ताकू ही अब्यूज करे तो बाहर तो कोई लोक आसिक अब्यूज करेंगे तो सी तार पेरेंट्स हो पारती कहीं भी केयर टेकर्स हो पारती है जे भी से पिलार केयर नौ थे तो सी ही अब्यूज करती तो कौन कौन अब्यूज अच्छी देखो फिजिकल अब्यूज पिला मारधर करवा जबरदस्ती कौट कम पठेबा ना मारधर करवा है जोटा कि तार पेरेन्ट्स ठार भी मिलता है एंड केयर टेकर्स ठार भी मिलता है तापर एटी आस इमोशनल अब्यूज छोट छोट पिला इमोशनल अब्यूज करवा इच्छा विरुद्ध ये करवा पिला बहुत मानते तुच्छ करके गाड़ी दवा जमीक सी पूरा कांदे छोट छोट पाने इमोशनाली ना बहुत सेनसीटिव होता आपड़ जब गाड़ी करेंगे है कांदी पकाने से गोटे प्रेजेन्स अफ माइंड ये न थाए से बहुत सेनसीटिव नेचर रही था से लगे कि पूरा दुनिया ही भलपाइवा दे तो सी बहुत तुमको आदर करेंगे जदि को गाली गुलज करेंगे तो से पिला कांदी पकाती तो से लगी ये हूँ गोटे गोटे इमोशनल अब्यूज जो कि डिसरेस्पेक्ट करा जाए है पिला इच्छा को मार दिया जाए
ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଯଦି କ୍ୟୁରିଓସିଟି ନେଇ କିଛି କହୁଥିବେ ତାକୁ ଧମକେଇକି ତାକୁ ଗାଳି କରିକି ତାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ। ଆଇସୋଲେଟେଡ଼୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପଠାଯିବ, ବାହାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲ ନେଇକି ରଖିଦିଆଯିବ ଜବରଦସ୍ତି। ତୁ ରହିବୁ ମାନେ ରହିବୁ, ପିଲାର ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ତାକୁ ଫୋର୍ସଫୁଲି ତାକୁ କରିକି ରଖିବେ ଆଇସୋଲେଟେଡ଼୍। ରହିଲା ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେଡ଼୍ ରିଜେକ୍ଟେଡ଼୍ ବାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି। ତ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ଏସବୁ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି ଏସବୁରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ହିଁ ନଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଯିବା, ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ମାରିଦେବା, ହେଲା। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍ର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ। ତା'ପରେ ରହିଲା ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍। ତ ଏଠି କ'ଣ ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଅ ଝିଅ ଏମାନଙ୍କୁ ସେକ୍ସୁଆଲି ଆସଲ୍ଟ କରିବା, ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବଡ଼ିକୁ ଟଚ୍ କରିବା ଜବରଦସ୍ତି। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସଫୁଲ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଆକ୍ଟ, ତ ତାଙ୍କୁ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଆକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ବି ସେମାନଙ୍କର ନଥାଏ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋର୍ସଫୁଲି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା, ହେଲା, ରେଫ୍ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଇଟ୍ ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିବା, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମେଜର୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍, ହେଲା। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଟପିକ୍ ହେଉଛି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବା। ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଲ୍ୟାକିଂ ଆଡ଼ିକୁଏଟ୍ ଫୁଡ୍, କ୍ଲଥିଂ, ସେଲ୍ଟର, କ୍ଲିନ୍ ଲିଭିଂ କଣ୍ଡିସନ୍, ଆଫେକ୍ସନ୍, ସୁପରଭିଜନ୍, ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଡ଼ିକାଲ୍ କେୟାର। ତ ଏଇ କେସେସ୍ରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ଯଦି ନ କରାଯାଏ, ମେଡ଼ିକାଲ୍ କେୟାର୍ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନ ଯିବ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଦେ କେଉଁଠି ଚେରମୂଳି ଆଣିକି ପେଇଦେ, କେଉଁଠି ଯାଇକି ଗାଁ ଡାକ୍ତର ପାଖରୁ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଗୋଟେ ବଟିକା ଆଣିକି ଦେଇଦେ, ଗୋଟେ ଟାବଲେଟ୍ ଆଣିକି ଦେଇଦେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଯା ନାହିଁ, ତା ଯିଏ ଯାହା ଲୋକ କହିଲେ ଆଣିକି ଦେଇଦେ, ବା ସଇଲା। ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ନେଇକି ଯାଇକି ପିଲାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା। ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ଏମିତି ହେଉଛି, ପିଲାକୁ ଠିକ୍ସେ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ନେଇକି ହିଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ହଁ କିଏ କେଉଁଠି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଏମିତି ସବୁ କଲା। ସୋ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ବିଲିଭ୍ ବିଲକୁଲ ବି କରନ୍ତୁନି, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ପିଲାର ଯଦି କୌଣସି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ତ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ନେବା ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଆମେ ଏଇ କେସେସ୍ରେ ପିଲାକୁ ଠିକ୍ସେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନ ଦେବା, ତ ପିଲାର ଏଠି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହିଁ ହେଇପାରିବନି। ତାକୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଠିକ୍ସେ ଫୁଡ଼୍ ଦେବା ଦରକାର, ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ବଡ଼ିର ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ। କ୍ଲଥିଂ, ତାକୁ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ପିଲାକୁ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନା ବହୁତ ସାରା କେସେସ୍ରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ନିଜେ ପଛି ଭଲ ନ ପିନ୍ଧିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଗ୍ରେଟ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍। ଆଉ କିଛି କିଛି କେସେସ୍ରେ ପିଲା ନିଜେ ଭଲ ପିନ୍ଧିବେ କିନ୍ତୁ ପିଲାକୁ ଠିକ୍ସେ ପିନ୍ଧାଉନଥିବେ, ହେଲା। ତ ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଆଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଭାବିବେ କି ୟାର ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ଭଲ ପିନ୍ଧୁଛି ଆଣ୍ଡ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ପିନ୍ଧିବାକୁ, ମୋ ଘରେ ମୋତେ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାପା ମାଆ ମାନେ ପୁରା ବହୁତ VIP ଭଳିଆ ରହୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ କିଛି ପିନ୍ଧାଉନଥିବେ, ମାନେ ଯାହା ନାହିଁ ତା ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇବା ଦେଇ କାମ ଚଳେଇ ଦେଉଥିବେ। ତ ସେମିତି ବିଲକୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଦେବା ଦରକାର କି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ସେ ଭାବିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପିନ୍ଧୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଖାଉଛି, ହେଲା। ସେଲ୍ଟର, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବା, ଏଠି ସେଠି ମାନେ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ରଖିଦେବା, ହେଲା, ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହିଁ ପ୍ଲେସ୍ ନଥିବ, ହେଲା। ତ କ୍ଲିନ୍ ଘର ରହିବା ଦରକାର ସବୁବେଳେ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର କି ପିଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ହୋଇପାରିବ, ହେଲା। କ୍ଲିନ୍ ଲିଭିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ଇଏ ରହିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ମେଜର୍ ଇସ୍ୟୁ, ସିଏ ହେଉଛି ଚାଇଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫିକିଂ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍, ହେଲା, ତାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଇଏ କ'ଣ। ଚାଇଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫିକିଂ ହୁଏର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ୟଙ୍ଗ ପିପୁଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ଡ, ଫୋର୍ସଡ୍ ଅର୍ ପର୍ସୁଡେଡ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଦେୟାର ହୋମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ ମୁଭ୍ଡ ଅର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକେନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେଡ଼୍, ଫୋର୍ସ ଟୁ ୱାର୍କ ଅର୍ ସୋଲ୍ଡ। ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିଦେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ, କିଛି ଅନ୍ନୋନ୍ ଅଜଣା ଲୋକ ଆସିବେ ଆଣ୍ଡ ପିଲାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇକି କିଛି ଗିଫ୍ଟସ୍ର ବାହାନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଡ଼୍ନାପ୍ କରିକି ନେଇଯିବେ, ନେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ପିଲାକୁ ସୋଲ୍ଡ କରିବେ ବା ରଖିଦେବେ ଯେଉଁଠିକି ପିଲାକୁ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ତା ପାଖରେ ଚାନ୍ସେସ୍ ନଥିବ, ହେଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର୍ କରିବା, ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭିକ ମାଗିବା, ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଉଥ୍ ଫିଲ୍ମ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଥେରୀ, ହେଲା, ସେ କେସେସ୍ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଭିକ ମଗାଉଛି ଆଣ୍ଡ ଭିଲିଆନ୍ସ। ତ ସେ କେସେସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା, ତ ସେ ପଇସାକୁ ନେଇକି ସେ ତା'ର ରଖୁଛି, ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପପୁଲାର ଫିଲ୍ମର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି, KGF ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସେଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ଡ କରିକି ପୁରା ନିଆଯାଉଛି, ସୋ ସେଠି ଆଉ ପୁରା ରିଟର୍ନ କରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ, ହେଲା। ତ ସେ କେସେସ୍ରେ ରକି ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଉଛି। ତ ଇଏ ସବୁ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ, ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି ବିକଜ୍ କି ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ କି ଚାଇଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫିକିଂ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ, ହେଲା। ସୋ ଇଏ ରହିଲା ଆମର ମେନ୍ ଇଫେକ୍ଟ, ତା'ର ଇଫେକ୍ଟସ୍ କ'ଣ ହେଇଥାଏ।
तो तार जो इफेक्ट्स कौन कौन तार सब प्रभाव पड़ी था देखो प्रथम कथा हूँ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज से मानक नहीं फिजिकल अब्यूज करा जाए साइकोलॉजिकल अब्यूज करा जाए अब्यूज ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स डिले इन देयर एजुकेशन ओब्वियसली सेठी एजुकेशन रो तो चांस नहीं कौन से लोक जी ताको काम करने नौ से एजुकेशन कहीं भी दबो नेक्स्ट आसला वल्नरेबिलिटी टू सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज देखो पिला जबरदस्ती जी कर तो से केसेस रे कौन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो सब डिजीज गुड़ाक ये अच्छी है एड्स हो सिफिलिस गोनो रोहिया तो ये जो सब डिजीज गुड़ाक अच्छी ना तो ये हबार काफ़ी चांसेस अच्छी है ला। तापर नेक्स्ट आसला अनवांटेड प्रेगनेंसी ये सब छोट छोट पिला माने आपनो न्यूज रे भी देखु थी तापर रहिला डेथ तो ये भाई सब बड़े पूरा एंड रे आसे डेथ डेथ पर आ किछि न थाए सो ये जिनस जमी न हो सोसाइटी सब बड़े अवेयरनेस रहिबा उचित अवेयरनेस क्रिएट करिबा उचित एंड लोक मानू सचेतन करवा उचित है चलतु ये डिस्कसन करवा कि आम एलिमिनेट केमी कर प्रॉब्लम गुड़ाक अबोलिशन ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग आपको रोकने सब ट्राए करवा एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी पॉवर्टी को दूर करने ट्राए करवा आम तो किसी डोनेट करें आम द्वारा जी हम तो पाला प्रोवाइड करवा उचित निज द्वारा जीक हम एंड गवर्नमेंट को भी जनवा उचित कि पॉवर्टी को दूर करने किसी स्कीम बाहर करवा उचित से समस्त अवेयरनेस करवा उचित ताछड़ा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ये तो ऑलरेडी गवर्नमेंट आमको प्रोवाइड करुच्चे सब पिला सर्वशिक्षा अभियान सभी पढ़ु सभी पढ़ु तापर रहिला स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन अगेंस्ट नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज इन रिक्रूटिंग चिल्ड्रेन इन देयर फैक्ट्री वर्क तो ये गोटे मेजर इश्यूज हो स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन बाहर करा जो मल्टीनेशनल कंपनीज माने अच्छा नेशनल हो मल्टीनेशनल हो से माने छोट छोट पिला नहीं कि फैक्ट्री काम करने लगुचर रोक लगे उचित कि से पिला इनवल्व मैंने कर पारत सब पिला एज को मैंने आधार कार्ड चेक करवा उचित ठीक से 18 वर्ष ना ना है तापर जाए छाड़ा उचित ना जदि पिला 14 वर्ष 15 वर्ष ये भाई तो भाई इमिडिएटली तार आक्शन नवा उचित से सो दैट कि अलग कई कंपनीज मैंने एमती मैंने करने साहस न करेंगे तो फ्रेंड्स ये थिला आमर इश्यूज रिलेटेड टू चिल्ड्रेन टॉपिकटा ये एंड हो गला बाकी शॉर्ट क्वेश्चन रे किसी मैंने टॉपिक विषय में डिस्कशन करवा तो ये जो थिला ये पूरा एंड हो गला आ कि भी आपर किसी ना एबे जो नेक्स्ट आम सीजन जीवा आ गोटे इश्यूज विषय में डिस्कशन करवा एल्डर पर्सन उपरे है सो भल लगी जब वीडियो को तो लाइक करेंगे फ्रेंड मानक सेयार करेंगे मैथ लेक्चर हेले भी मुझे ट्राए कर एथिक्स को आपको भलसे बुझेप आई होप आपन को भल लगी मजा भी लगे एंड इनफर्मेटिव भी लगे सो आ गोटे वीडियो देखा हे से पर्यटन बाय बाय टेक् केयर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू।